हेलो बच्चों, अब आज हम लोग ट्रिगो के एक क्वेश्चन को लेते हैं। देखो, साइन ए इंटू साइन पाई बाय थ्री माइनस ए इंटू साइन पाई बाय थ्री प्लस ए की वैल्यू क्या होगी, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखो, पहले इसको एज इट इज हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। साइन ए इंटू साइन पाई बाय थ्री माइनस ए इंटू साइन पाई बाय थ्री प्लस ए। यू नो फॉर्मूला आपको पता है, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। यस और नो? मैं यहां लिख देता हूं फॉर्मूला इसको अल्फा एंड बीटा के टर्म में, ठीक है। साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यस और नो? ऑब्वियसली यस। अब देखिए, साइन ए को एज इट इज हमने लिख दिया। अब ए है अल्फा, ये है बीटा, ये है अल्फा, ये है बीटा, ये है, तो कैसे लिखेंगे? साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। यस और नो? यू नो साइन ए इंटू साइन पाई बाय थ्री, साइन पाई बाय थ्री की वैल्यू क्या होती है? रूट थ्री बाय टू। सो रूट थ्री बाय टू होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। यू नो साइन ए इंटू रूट थ्री बाय टू होल स्क्वायर, सो बिकम रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर, माइनस साइन स्क्वायर ए। साइन ए से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? थ्री साइन ए अपॉन फोर माइनस साइन क्यूब ए। अब ऐसा करते हैं कि वन बाय फोर को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, या एलसीएम निकाल के वन बाय फोर को बाहर कर दिया, यही कहने का मतलब है। तो क्या हो गया यहां पे? वन बाय फोर थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए इज इक्वल टू, अब देखो थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, साइन थ्री ए, तो लिख दीजिए वन बाय फोर साइन थ्री ए आंसर। सो सिंपल क्वेश्चन, यस और नो?